हेलो दोस्तों, मैं सान अंसारी आपका अपने चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी किसी रेंज का स्क्रीनशॉट लेकर उस स्क्रीनशॉट को किसी फोल्डर में किस तरीके से हम सेव करा सकते हैं। कोडिंग पर जंप करने से पहले एक बार टास्क को अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें आज करना क्या है। तो हमारी एक्सेल की एक सीट है सेल्स रिपोर्ट वाली, इसमें ये हमारी रेंज है। इस रेंज का हम स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद ये जो हमारा फोल्डर है यहाँ पर उस स्क्रीनशॉट को हम सेव कराएंगे। सो मैं क्या करता हूँ, हमने एक मैक्रो बनाकर रखा है। डेवलपर टैब में जाके मैक्रोज में जाके उस मैक्रो को सेलेक्ट करके रन करते हैं। मैंने रन किया इसको और अब मैं फोल्डर पे आऊं, यहाँ पर आप देख सकते हो एक पिक्चर यहाँ पर आ गई है। इसे अगर मैं ओपन करूँ तो ये मेरी रेंज का ही स्क्रीनशॉट है। तो टास्क आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी हमारी रेंज है एक्सेल में उसका स्क्रीनशॉट हमें लेकर लोकल फोल्डर में सेव करा देना है। एक्सेल की किसी रेंज का स्क्रीनशॉट लेकर उसको हम एक लोकल फोल्डर में एज ए पिक्चर कैसे सेव करा सकते हैं, ये क्योरी थी जो हमें मिली थी। इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। ऐसी काफी सारी क्वेरी और हमें मिली है, तो आने वाले कुछ दिनों तक हम उन सब क्वेरीज पर वीडियो लाएंगे और उसके बाद हम आउटलुक ऑटोमेशन को स्टार्ट करेंगे। सो चलिए दोस्तों, और देर ना करते हुए अल्ट एफ 11 की प्रेस करके आ जाते हैं वीबी एडिटर में और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैक्रो बनाते हैं जिसके लिए हम लिखेंगे सब, उसके बाद मैक्रो का नाम रख लेते हैं सेव रेंज एज पिक्चर। उसके बाद हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि जिस भी सीट की रेंज की हमें पिक्चर लेनी है उस सीट को हमें एक्टिवेट करना होगा। सो हमारी जो सीट है वो है सेल्स रिपोर्ट वाली, उसको हमें एक्टिवेट करना है। इसका डोमेन नेम हमारा एस एच सेल्स रिपोर्ट है, तो हम यहां पर लिखते हैं एस एच सेल्स रिपोर्ट डॉट एक्टिवेट। ठीक है, सीट को हमें एक्टिवेट क्यों करना है वो बताते हैं। हो सकता है कि आपके पास काफी सारी सीट्स अवेलेबल हो और कोई सी दूसरी एक सीट आपकी एक्टिवेट हो, तो हमें उस सीट को एक्टिवेट कर देना है सबसे पहले जिसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है। हमने कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमको जिस रेंज का स्क्रीनशॉट लेना है उसको देना होगा। तो जैसे यह हमारी सीट है इसका स्क्रीनशॉट हमें A1 रेंज से P27 सेल तक लेना है, तो इसको हम देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर लिखते हैं एस एच सेल्स रिपोर्ट, इस सीट के अंदर हमारी रेंज है A1 से लगाकर P27 तक। ठीक है, और रेंज जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका एक मेथड मिलता है हमें कॉपी पिक्चर। ये जो हमारा कॉपी पिक्चर मेथड है जो रेंज हमने यहां पर दी होगी उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। इस मेथड के दो आर्गुमेंट हमें देना होगा। पहला जो है अपीयरेंस, यहाँ पे हम दे देंगे एक्सेल स्क्रीन, हमें स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है और इसको हमें सेव कराना है एज ए पिक्चर, तो हम दे देंगे यहाँ पर एक्सेल पिक्चर। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक ब्लैंक चार्ट हम सीट में ऐड कराएंगे, उसके बाद चार्ट में जो स्क्रीनशॉट हमने लिया है रेंज का वो पेस्ट कराएंगे और फिर चार्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम एज ए पिक्चर। चार्ट को एक्सपोर्ट करके कहीं पर भी सेव करा सकते हैं। तो एक चार्ट ऐड कर लेते हैं, कौन सी सीट में हमें चार्ट ऐड करना है वो देंगे सबसे पहले। सेम ही में कर लेते हैं एस एच सेल्स रिपोर्ट वाली जो हमारी सीट है इसमें हम सेव्स डॉट एड चार्ट टू मेथड का यूज करके एक चार्ट ऐड करा देते हैं। उसके बाद जो चार्ट हमने ऐड कराया है उसको हम पहले एक्टिवेट करा देते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे दो चार्ट होंगे, एक तो चार्ट पहले से हमने इस सीट में बना रखा है, एक हम जो ऐड करने वाले हैं वो चार्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो सीट है एस एच सेल्स रिपोर्ट इसके अंदर
चार्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो हमारा जो दूसरा वाला चार्ट बनेगा उसको हमें एक्टिवेट करा देना है। उसके बाद एक्टिव चार्ट पर हमें जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसको पेस्ट करा देंगे। ठीक है, ऑल राइट। अभी तक जितना हमने कोड लिखा है एक बार उसको रन कराते हैं। ठीक है, सो हम डेवलपर टैब में आके मैक्रोज में जाते हैं, हमने अपना मैक्रो बनाया था, इसको रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने रन किया, देखो आप यहाँ पे हमारी एक स्क्रीनशॉट हमने लेकर चार्ट पे पेस्ट करा दिया है, पर अभी क्या है, ये स्क्रीनशॉट काफी छोटा है, तो हमको यहाँ पे दो काम करते हैं। एक तो इस स्क्रीनशॉट की पोजीशन हम यहाँ पे करवा देते हैं कि चार्ट जो ऐड हो वो हमारा यहाँ से ऐड हो, और इसकी जो विथ और हाइट है वो हमारी सीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो जो हमारी रेंज हमने पेस्ट कराई है चार्ट पे, और चार्ट दोनों हम यहां से करा देते हैं डिलीट। उसके बाद वापस चलते हैं वीबी एडिटर पर। तो हमने यहां पर बनाया था अपना चार्ट, ठीक है, और चार्ट के आप आर्ग्यूमेंट देखो तो पहला है स्टाइल जो हमें नहीं चाहिए, दूसरा है चार्ट टाइप जो हम छोड़ देंगे। अब हमारा लेफ्ट वाला जो पैरामीटर है वो बोल्ड में है, मतलब इसकी वैल्यू हमें यहां पर देनी है। हम लेफ्ट पोजीशन चार्ट की रखते हैं 5, मतलब टॉप से स्टार्ट हो, और फिर टॉप भी 5 दे देते हैं। अब जो हमारी रेंज होगी, रेंज तो हमारी डायनामिक होने वाली है, तो यहाँ पर हार्ड कोडेड कोई वैल्यू देने की बजाय जो भी हमारी रेंज है ना, ये इसकी विथ और इसी की हाइट हम दे देते हैं। तो इसे कॉपी करते हैं, हम यहाँ पर लाते हैं और विथ में इसकी विथ दे देते हैं, और दूसरा है हमारा हाइट, तो हाइट के लिए हम इसकी हाइट दे देते हैं। ओके, अब एक बार और चलते हैं एक्सेल की सीट में, डेवलपर टैब पे आते हैं, मैक्रोज में जाते हैं और अपने मैक्रो को रन करते हैं। इस बार देखो स्क्रीनशॉट जो हमारा लिया गया है ना, ये पूरी हमारी जो रेंज है उसका उतना ही बड़ा आ रहा है जितनी हमारी रेंज है। सो सबसे पहले ये जो स्क्रीनशॉट है इसको डिलीट कर देते हैं और चार्ट को भी डिलीट कर देते हैं। अब जब आप चार्ट ऐड करोगे ना, तो एक बात का ध्यान रखना कि कोई ब्लैंक सेल हमारा एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, हमारा एक ब्लैंक सेल क्यों एक्टिवेट होना चाहिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, और अगर ब्लैंक सेल हमारा एक्टिवेट ना हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चलिए आपको दिखाता हूं। वीवी एडिटर में चलते हैं सबसे पहले हम। यहां पर हम चार्ट पर जो हम स्क्रीनशॉट पेस्ट कर रहे हैं उस लाइन को एक सिंगल कोट लगाकर उसके स्टार्टिंग में उस लाइन को कमेंट कर देते हैं। वापस से एक्सेल की सीट पर आते हैं और अभी ना मेरा एक ब्लैंक सेल एक्टिवेट है। अभी मैं एक चार्ट बनाऊंगा तो एक ब्लैंक चार्ट बनेगा, एक ब्लैंक चार्ट मुझको बनाना है, ठीक है, ब्लैंक ही बनेगा। तो मैं मैक्रोज में जाके जो हमारा मैक्रो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है इसको रन करता हूं। तो देखो एक ब्लैंक चार्ट मेरा बना, इसको मैं कर देता हूं डिलीट। अब अगर गलती से कोई ऐसा सेल हमारा एक्टिवेट हो जहां पर डेटा हो, किसी रेंज का कोई डेटा हो, और अब अगर मैं सेम मैक्रो को रन करूं तो मेरा एक ब्लैंक चार्ट ऐड नहीं होगा, जो चार्ट ऐड होगा वो उस डेटा के अकॉर्डिंग होगा जो हमारा एक्टिवेट था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें ब्लैंक सेल को एक्टिवेट कराना है चार्ट बनाने से पहले, क्योंकि अगर हमने चार्ट बना दिया और हमारा वो सेल एक्टिवेट है जहां पर कुछ डेटा है तो फिर हमारा ब्लैंक चार्ट नहीं बनेगा, और अगर इसके ऊपर मतलब पहले से ही चार्ट बन के आ रहा है उसके ऊपर हम स्क्रीनशॉट पेस्ट करेंगे तो हो सकता है बैकग्राउंड में हमारा ये भी शो हो। तो हमें क्या करना है, एक ब्लैंक सेल को एक्टिवेट कराकर ही चार्ट ऐड कराना है जिससे कि हमारा ब्लैंक चार्ट बने। तो हम कोड में ही कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट कोई भी सेल हमारा एक्टिवेट हो सकता है। तो जैसा हमारा C2 सेल है यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है, तो हम कोड पर जाते हैं, चार्ट बनाने से पहले या पिक्चर लेने से ही पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर shSalesReport.range हमारा कौन सा सेल है ऐसा जहां पर डेटा नहीं है, C2.activate, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, जो हमने
स्क्रीनशॉट को पेस्ट करने वाला चार्ट में कोड कमेंट किया था, इसको अनकमेंट करते हैं। ऑल राइट, अब मैं आपको बताता हूं कि ये चार्ट वार्ट बनाने के चक्कर में हम पड़े ही क्यों। एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी चार्ट को ना हम एक्सपोर्ट करा सकते हैं, इसीलिए हमने रेंज का स्क्रीनशॉट लेकर ब्लैंक चार्ट पर पेस्ट कराया कि हम एक चार्ट को ना एक्सपोर्ट करा सकते हैं। तो चलिए एक्सपोर्ट करा लेते हैं। हमारा जो चार्ट है उसे एक्टिवेट हमने कर रखा है, तो एक्टिव चार्ट को हम एक्सपोर्ट कराने के लिए यूज करते हैं एक्सपोर्ट नाम के ही मेथड का। और इसका जो पहला हमारा पैरामीटर है, यहां पर हम फाइल नेम दे देंगे फोल्डर के पाथ के साथ, जहां पर हमको अपनी फाइल को सेव कराना है, जहां पर हमें अपनी स्क्रीनशॉट को सेव कराना है। तो ये फोल्डर है जहां पर हमारी VBA की फाइल रखी हुई है, वहीं पर सेव करा लेते हैं इस पिक्चर को, इस स्क्रीनशॉट को। तो इस फोल्डर तक का पाथ हमें दिस वर्कबुक डॉट पाथ से मिल जाएगा। हम यहां पर लिखते हैं दिस वर्कबुक डॉट पाथ। करंट फोल्डर पर हम आ गए हैं, इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर जाना है तो एक हम स्लैश लगाएंगे और फिर किस नाम से हमें अपनी रेंज को सेव कराना है जो पिक्चर, माई रेंज नाम से ही करा लेते हैं। और पिक्चर की जो एक्सटेंशन है हम PNG दे देते हैं, आप चाहे तो JPG, JPEG जो आप चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है। और जब हम सेव करा लेंगे स्क्रीनशॉट को, उसके बाद एक्सेल की सीट पे जो हमने चार्ट ऐड कराया है उसकी भी कोई जरूरत नहीं रहेगी, तो उसको भी डिलीट करा देते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे SH सेल्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जो हमारे चार्ट ऑब्जेक्ट्स है उसमें दूसरा जो चार्ट बनाया है हमने उसको कर देंगे हम डिलीट। ऑलराइट, अब हम रन वाले बटन पे क्लिक करके अपने मैक्रो को रन करते हैं। एक्सेल की सीट पे जाते हैं तो देखो जो चार्ट हमारा ऐड हुआ था वो डिलीट हो गया है। और उसके बाद में फोल्डर पे जाऊं तो यहां पर माई रेंज नाम की एक पिक्चर आ गई है, इसे ओपन करो तो देखो परफेक्टली हमारी रेंज की एक पिक्चर यहां पर हमने सेव करा ली है। तो इस तरीके से आप किसी भी रेंज की पिक्चर लेकर उसको सेव करा सकते हैं, बहुत आसान है। रेंज ऑब्जेक्ट पर हमें कॉपी पिक्चर मेथड चलाकर उस रेंज की स्क्रीनशॉट ले ली है, फिर एक ब्लैंक चार्ट ऐड करकर उस ब्लैंक चार्ट पर अपनी रेंज को हम पेस्ट करा देंगे, रेंज का जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको पेस्ट करा देंगे और फिर हम चार्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज ए पिक्चर। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप बिना शर्माए बिना झिझके हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।